आज की खास खबर। अभिनेता संजय दत्त को भेजा ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव। सरकार ने देश में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों की मांग में कमी लाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। केंद्रीय सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार इस पंचवर्षीय कार्य योजना 2018 से 2023 का मकसद विभिन्न उपायों द्वारा नशीली दवाओं के अधिक इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को सीमित करना है। इसके लिए सरकार ने 150 करोड़ की राशि आवंटित की है। जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को प्रस्ताव भेजा गया। मंत्रालय का मानना है कि नशे की लत के शिकार रहे संजय दत्त की अपील का व्यसन करने वालों पर ज्यादा असर होगा। दरअसल नशे की आदत का बुरा असर न केवल संबंधित व्यक्ति पर पड़ता है, लिहाजा मंत्रालय ने इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एक समयबद्ध योजना बनाई। योजना के तहत आम जन को नशे की लत से होने वाली समस्या से अवगत कराया जाएगा और इस समस्या से निकलने का मार्ग भी बताया जाएगा। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।